लव मिटानी है। आज मैं आपको पीकॉम का शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन का एक सम कराऊंगा, जो कि प्रो रेटा बेसिस है। और जैसे ही विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं सम स्टार्ट करता हूँ, इलस्ट्रेशन 13। सो इलस्ट्रेशन 13 में क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन 13 में लिखा है, अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज एंट्रा। मतलब के कंपनी ने इशू किए है 20,000 इक्विटी शेयर्स, कितने के हिसाब से? ₹10 के हिसाब से, और प्रीमियम यहाँ पे दिया है आपको ₹2। देख सकते हैं आप, ₹10 के शेयर है और ₹2 पर प्रीमियम, और 20,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। तो आप जैसे जानते हैं कि कंपनी या तो 3 इंस्टॉलमेंट में या तो 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी बाहर शेयर रखती है। तो 3 इंस्टॉलमेंट जब करती है तो वो करती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में करती है। और ये सब में हमको 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन टाइम है ₹2, अलॉटमेंट टाइम है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स के प्रीमियम है आपका 2, तो शेयर का प्राइस एक्चुअल क्या हो गया? ₹3। और फर्स्ट कॉल है ₹2 का, सेकंड कॉल है ₹3 का। सो आगे एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने, एप्लीकेशन वे आर रिसीव फॉर ₹30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेट्स ऑफ 24,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेट वे आर रिफ्यूज एंड द अमाउंट वॉज रिफंडेड। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे कि कंपनी ने इशू करने थे 20,000 इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ दिए गए, लेकिन कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई? 30,000 के। कंपनी ने 24,000 का प्रो रेटा बेसिस पे एक्सेप्ट किया, बाकी के जो डिफरेंस इसके 24 माइनस 30 6,000 वो रिफंड कर दिए, और बाकी जो 20 इशू किए और 24,000 को प्रो रेटा बेसिस जो 4,000 का डिफरेंस बचा वो ट्रांसफ़र किए अलॉटमेंट के टाइम, जो कि मैं अभी सम कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ए टू वूम 800 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड बी टू हुम 1,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स, दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर मेकिंग द सेकेंड कॉल। ओके, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ए जो है, जिसको 800 शेयर्स हमने अलॉट किए थे वो फेल्ड हो गया। कौन से इंस्टॉलमेंट्स? अलॉटमेंट मनी फेल हो गया। इट मीन्स अलॉटमेंट मनी फेल हो गया तो बाकी के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी उसने पे नहीं किए होंगे। और बी जो है, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे वो फेल्ड हो गया लास्ट के 2 कॉल्स। इट मीन्स द फर्स्ट कॉल एंड द सेकेंड कॉल। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज, ऑल द शेयर्स वे आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड ₹4.08 पर शेयर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। और लास्ट में हमने सारे शेयर्स मिस्टर एक्स को बेच दिए है, कितने रुपए के हिसाब से? ₹8 के हिसाब से। ओके, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे कि क्या क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो हमें बुक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाइए, एक सेकंड। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनाइए, कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर्स एट ₹10 प्लस 2 प्रीमियम। ओके, सो हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला इंस्ट्रूमेंट है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, फिर है हमारा फर्स्ट कॉल एंड लास्ट है हमारा फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन टाइम हमारे पास है ₹2, अलॉटमेंट है 3 प्लस 2, मैंने कहा था 2 प्रीमियम है तो हो रहेगा, एंड फर्स्ट कॉल है आपका 3 एंड फाइनल कॉल है आपका 3। अब ए जो शेयर्स था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, जिसको हमने 800 शेयर्स अलॉट किए थे। सो ए जिसको हमने 800 शेयर्स अलॉट किए थे वो फर्स्ट एप्लीकेशन पे किया, बाकी के इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया। एंड द बी होम वी अलॉटेड 1,000 शेयर्स
he didn't pay the last two calls. Okay, and the all 1800 shares were reissued to Mr. X at rupees 8. Okay, so हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिससे हम निकाल पाएंगे, बहुत ही कह सके तो इजी कैलकुलेशन, एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट से आपको पता लगेगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। एक और बार मैं समझा देता हूँ, कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर एट रुपीज़ 10 प्लस 2 प्रीमियम, एप्लीकेशन टाइम 2 रुपीज़, अलॉटमेंट टाइम 3 प्लस 2, 2 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल सॉरी फर्स्ट कॉल पे है जो आपका है वो 2 एंड फाइनल कॉल पे है आपका 3। ए ने एप्लीकेशन पे किया, अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल नहीं किया। बी ने एप्लीकेशन अलॉट पे किया, बाकी दो कॉल्स नहीं पे किए। ओके, अब मैं एक शीट बना रहा हूँ। तो मैंने एक शीट प्रिपेयर की है जिससे हम इजीली मालूम पड़ा समझा पाऊंगा मैं आपको कि कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा मिला। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट जो आपका है वो लिखोगे आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो हमें पता है 20,000 एप्लीकेशन टाइम, 20,000 अलॉटमेंट टाइम, 20,000 फर्स्ट कॉल टाइम एंड 20,000 फाइनल कॉल टाइम। सेकंड आप लिखोगे अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। तो एप्लीकेशन टाइम आपका कितना था 2 रुपीज़, अलॉटमेंट टाइम आपका कितना था 5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल टाइम कितना था 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल टाइम आपका था 3 रुपीज़। अब यहाँ हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू। तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ फर्स्ट में 20,000 इंटू 2, इट मीन्स 40,000 एंड ऑन अलॉटमेंट टाइम 20,000 इंटू 5, इतना हमें अमाउंट मांगना है किससे पब्लिक से। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000 इंटू 2, 40,000 और 20,000 इंटू 3, 60,000। सो हमें ये जो है इंस्टॉलमेंट्स मांगनी है पब्लिक से। अब क्या हुआ, हमें कितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई जो हम मैंने यहाँ लिखा है, कंपनी रिसीव्ड 30,000 एप्लीकेशन। ओके, 24,000 अलॉटेड एंड 6,000 रिजेक्टेड। ओके, एंड फ्रॉम 24,000 20,000 हम लेके जाएंगे एप्लीकेशन में और बाकी का 4,000 जो रहेगा वो आपका रहेगा अलॉटमेंट में। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, फोर्थ लिखेंगे हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिला 30,000 इंटू 2 मतलब के 60,000। अब इसमें से माइनस करोगे रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड मेरे को पता है कितना है 6, तो 6,000 इंटू 2। क्यों 2, क्योंकि आपने 2 के हिसाब से पैसा मिला तो आप रिटर्न भी कितने के हिसाब से करोगे 2 के हिसाब से करोगे, तो 6,000 इंटू 2 12,000। बाकी कितना बचा 48,000, 48,000 आपको बचा। आपको रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन टाइम 40,000, तो बिटवीन जो 8,000 का डिफरेंस बचा वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, आप करोगे अलॉटमेंट अकाउंट में। तो 40,000 यहाँ करोगे और 8,000 यहाँ करोगे और यहाँ
अभी फिलहाल कुछ नहीं। तो अभी आपका अमाउंट ड्यू हुआ यहाँ पे निल, यहाँ पे बचा 92,000, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 60,000। ये आप लिखोगे फिफ्थ बैलेंस अमाउंट। अब यहाँ पे बैलेंस अमाउंट के बाद सिक्स आएगा अमाउंट नोट रिसीव्ड। सो हमें अमाउंट नोट रिसीव्ड निकालना है। तो अमाउंट नोट रिसीव्ड के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन हम यही कर सकते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट टाइम हमने कितना पैसा मांगा था, हमने मांगा था 5 रुपया, ठीक है। क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने हमें पैसा नहीं दिया? जी हाँ, हमने देखा कि ए है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो हम उसका क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू ए, तो अमाउंट ड्यू टू ए है 800 × 5, कितना हुआ 4,000। इसमें से लेस करेंगे एक्सेस अमाउंट रिसीव इन एप्लीकेशन। तो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हुआ हमें 160 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 320। तो 4,000 माइनस 320 करो तो 3,680 है वो हमें एप्लीकेशन टाइम नहीं मिला। अरे 160 कहाँ से आया? तो 160 का कैलकुलेशन भी बताता हूँ मैं आपको। देखो प्रो रेटा बना था 24,000 शेयर पे और शेयर्स कितने इशू करने थे 20,000। सो 20,000 के हिसाब से उसको हमने 800 शेयर्स अलॉट किए, तो 24,000 के हिसाब से कितना? तो 800 × 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो 800 × 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करो तो 960 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, हमने उसको कितने अलॉट किए 800। डिफरेंस कितना बचा 160 शेयर्स, मतलब 160 शेयर्स का उसने पैसा एक्स्ट्रा दिया था। तो कितना एप्लीकेशन टाइम हमने मांगा था, तो उसने 160 × 2 करेंगे तो 160 × 2 आपका कितना आया 320। तो 320 रुपया उसने ज़्यादा दिया था जो कि हमने ईमानदारी के साथ उसको डिडक्ट कर दिया, मतलब हमें एप्लीकेशन टाइम टोटल उससे 4,000 लेना था, 4,000 वो नहीं दे पाया और 320 जो एप्लीकेशन टाइम उसने ज़्यादा दे दिया वो हमने माइनस कर दिया और टोटल एप्लीकेशन टाइम हमें नहीं मिला वो था 3680 रुपया। अब यहाँ पे सेवन करेंगे अमाउंट नोट रिसीव्ड एंड फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे हम देख सकते हैं कि ए ने भी नहीं दिया, बी ने भी नहीं दिया, टोटल आपके हो गए 1800 शेयर्स। कितना था हेलो फर्स्ट कॉल टाइम 2 रुपीज, तो 1800 × 2 कितना हुआ 3600 रुपया हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। एंड लास्टली एट अमाउंट नोट रिसीव्ड एंड लास्ट कॉल, तो उन दोनों ने नहीं दिया और 3 रुपये का शेयर का इंस्टॉलमेंट का प्राइस था, तो टोटल आया 5400। अब हम टोटल करते हैं तो 92,000 माइनस 3680, तो आपको 88,320 रुपीज़ इन अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। अब 40,000 माइनस 3600 तो 36,400 मिलेगा आपको फर्स्ट कॉल में, एंड 60,000 माइनस 5400 तो 54,600 आपको मनी मिलेगा। सो एक और बार समझ लेते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 20, 20, 20, 20, अमाउंट होल्ड अप दिस एंड टोटल अमाउंट ड्यू होना चाहिए 40,000, 1,40,000, 60,000। अभी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन टाइम तो 30,000 × 2, 60,000, रिजेक्ट किए वो माइनस कर दो, बाकी जो अमाउंट बचा एप्लीकेशन टाइम जितना ज़रूरत है उतना दो, बाकी अलॉटमेंट
लेके जाओ। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 30,000 में से हम 24,000 को अलॉट कर रहे हैं, बाकी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी मैंने रिजेक्ट कर दिए, और जो डिफरेंस बचा, जो इशू करने थे और जो बीच का डिफरेंस बचा, वो मैं अलॉटमेंट में लेके गया। ओके, तो 92,000, 40,000, 60,000 बैलेंस बचा। अब आएगा अमाउंट नोट रिसीव। तो अमाउंट नोट रिसीव अलॉटमेंट टाइम सिर्फ ए के पैसे नहीं आए थे, तो ए के कितने शेयर्स के हिसाब से नहीं आए, तो 800 शेयर्स उसको अलॉट किए थे। 5 रुपये का हफ्ता था, टोटल 4,000 हमको उसे मांगना था, मतलब उसने 4,000 नहीं दिए, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन टाइम उसने 160 शेयर का ज़्यादा दिया था। कैसे? तो मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कैसे। तो टोटल हमने 30,000 शेयर्स रिसीव हुए थे, जिसमें से 6,000 रिजेक्ट किए, 24,000 पे हमने अलॉट किया। तो 20,000 के हिसाब से हमने उसको 800 शेयर अलॉट किए, तो 24,000 के हिसाब से कितने होंगे, उसने कितने अप्लाई किया, तो 960 के शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया। बीच का डिफरेंस जो बचता है वो 160 शेयर्स का होता है, जो कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन टाइम इंटू टू 320 आपका कैलकुलेशन आएगा। वो 320 एक्सेस एप्लीकेशन टाइम जो रिसीव हुआ अमाउंट वो डिडक्ट करेंगे, और जो बचेगा वो कॉल एंड एरियाज होगा आपका। वैसे ही फर्स्ट कॉल में 1800 इंटू टू, क्यों इसमें नहीं किया? क्योंकि इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन है ही नहीं कि हम आगे लेके जा रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन था वो हम अलॉटमेंट में लेके गए, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन फाइनल कॉल में नहीं लेके गए। अगर लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी वही डिडक्शन वाला कैलकुलेशन आता, पर नहीं लेके गए, मतलब कि ये प्योर इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपल जो करते हैं वही होगी जो हम 12th में करते थे। 1800 इंटू टू 3600, एंड लास्ट कॉल 1800 इंटू थ्री 5400। ये कॉल इन एरिया सब हमने माइनस कर दिए, कितने इनके कॉल्ड अप वैल्यूज है। तो हमें अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट टाइम 88320, एंड ऑन फर्स्ट कॉल 36400, एंड ऑन लास्ट कॉल 54600। अब हम करते हैं जनरल एंट्री। सो जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखो सीरियल नंबर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट सीरियल नंबर। सो फर्स्ट एंट्री हमारी जो रहेगी वो हमेशा नॉर्मल वही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री सेम रहेगी। तो टोटल हमें फर्स्ट कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो 30,000 रिसीव हुए, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल हुआ आपका 60,000। यहाँ पे भी हुआ 60,000। पहले एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव होगी तभी तो उनको शेयर्स के लिए हम अलॉट करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड टू लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहले तो हम यहाँ पे नॉर्मली जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट कर देते हैं 60,000। अब हमें कैपिटल में हमेशा एक्चुअल शेयर्स और एक्चुअल अमाउंट लेके जाना होता है। तो एक्चुअल शेयर्स है 20,000 और एक्चुअल अमाउंट है 2, ठीक है। तो 20,000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000। अब हमने रिजेक्ट कितने किए वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे वापस। तो हमने 6,000 शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, और नहीं रिफंड करते तो पैसा गया, पैसा गया तो होगा क्या, क्रेडिट होगा। 6,000 इंटू 2 कितना हुआ, 12,000। और बाकी के 4,000 का जो डिफरेंस है जो मैंने आपको कहा था इंटू 2, वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना आया, 8,000। अब आते हैं थर्ड एंट्री पे। तो अभी हम इंस्टॉलमेंट्स मांगेंगे पैसा आएगा, इंस्टॉलमेंट मांगेंगे पैसा आएगा, बस यूं ही चलता रहना है। बिकॉज हम इंस्टॉलमेंट मांगेंगे नहीं तो पैसा तो कोई आज की कलयुग में तो मिलेगा भी नहीं आपको। तो मांगते हैं अभी हमारा कौन सा कॉल है, तो हमारा है अलॉटमेंट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो कि इंस्टॉलमेंट में है प्रीमियम, अगर प्रीमियम के साथ मांगोगे तो ही प्रीमियम के साथ आपको मिलेगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में आएगा 20,000 शेयर से आपके इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो हुआ 1 लाख। और कैपिटल में मैंने आपसे कहा था एक्चुअल शेयर इंटू एक्चुअल अमाउंट, तो 20,000 और एक्चुअल अमाउंट कितना था? 3 रुपया, तो यहाँ आएगा 60,000। और आपका 20,000 प्रीमियम कितना है? तो 2 रुपया, तो आया 40,000। अब जबकि आपने मांग लिए हैं पैसे, तो अभी आपको आएंगे मनी, तो यहाँ एंट्री करते तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी बैंक अकाउंट की एंट्री करो पहले देख लो कि क्या कॉलिन एरियाज है। जी हाँ, कौन ए ने अलॉटमेंट टाइम पैसा नहीं दिया, उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। 3680 कैसे? 4,000 उसका ड्यू बन रहा था, 320 उसने एप्लीकेशन टाइम दे दिए, मतलब 3680 अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। कितना हो रहा है? 88320। तो जो नहीं हो रहा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉल इन एरियास अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू क्या करेंगे? टू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो रिसीव्ड कितना हुआ मैंने दिखाया, 88320। ओके, तो 88320 हम यहाँ लिख देंगे। रिसीव कितना नहीं हुआ? तो सर 3680, तो 3680। ओके, तो टोटल आपका अमाउंट रहता है 88320 प्लस करेंगे 3680, टोटल आपका आ गया 92,000 का कोल्ड अप, क्योंकि ये रहा आपका 92,000 का कोल्ड अप। अब हम मांगेंगे क्या? अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आपका आया 20,000 इंटू कितना है? फर्स्ट कॉल टाइम 2 रुपीज़, तो आया 40,000, और यहाँ पे भी 40,000। अब पैसा मांगा है तो आएगा, फिर से देखना है क्या है। फर्स्ट कॉल टाइम दो शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे, और मैंने आपको कहा था ये रहा, इसका कैलकुलेशन भी हमने किया हुआ 3600, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कॉल इन एरियाज हो गया। तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो टोटल कितना अमाउंट था कॉल्ड अप? 40,000। कॉल इन एरियाज 3600। बैंक अकाउंट कितना हुआ? 36,400। इजी, 36,400। कॉल इन एरियाज आपका कितना था? 3600 था। ओके, और टोटल आपका वैल्यू कितना आ गया? 40,000। अब हम करेंगे लास्ट कॉल मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 शेयर्स इंटू 3, 60,000 हमने पब्लिक से मांगे हैं। क्या मिले पूरे? बैंक अकाउंट 54,600, कॉल इन एरियाज 5,400, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना था फाइनल कॉल का? 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो कॉल इन एरियाज कितना था? 5,400, और बैंक से पैसा कितना मिला? 54,600। टोटल कितना हुआ? 60,000। अब हमने सारे इंस्टॉलमेंट मंगा लिए और सारे पैसे भी आ गए, और कुछ पैसे नहीं भी आए तो वो कॉल इन एरियाज दिखा दिए।
तो हमने इसके शेयर फॉरफिट कब किए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर मेकिंग सेकंड कॉल, तो हमने सेकंड कॉल मंगा लिया जिसको हम फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे है ए का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए फॉरफिट शेयर। तो शेयर फॉरफिट की एंट्री की क्या होती है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब भी आप किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट करते हो तो देख लेने का कि क्या उससे हमने प्रीमियम मांगा था और उसने नहीं दिया है, ऐसा कुछ है। जी हाँ, ए से हमने प्रीमियम मांगा था लेकिन ए ने प्रीमियम नहीं दिया है, वो है अलॉटमेंट टाइम। तो जब कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पे एक और एंट्री आती है, वो आती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो भी डेबिट होता है। और करेंगे टू इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे टू जितनी भी उसने हफ्ते नहीं पे किए वो सब, तो उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं पे किया, या फाइनल कॉल भी कह सकते हो। ओके, अब कैपिटल में कितना लिखो, पहले तो उसके शेयर्स लिख दो 800। अब 800 इंटू कितना होगा, तो देखो अगर उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और जितने हफ्ते मंगा लिए उन सब का टोटल, तो उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, तो तब तक हमने कितने इंस्टॉलमेंट मंगा लिए, तो हमने सारे मंगा लिए, सारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी 10, तो हम उतना ही वैल्यू इंटू करेंगे। और कितना उससे प्रीमियम मांगा था, दो मांगा था तो नहीं दिया, 800 इंटू 10 8000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 1600। अब फॉरफिट, फॉरफिट में क्या आता है अमाउंट, फॉरफिट में अमाउंट आता है जितना उसने दिया था, तो उसने कितना दिया था, तो उसने देखो एक तो उसने 800 इंटू दो, एप्लीकेशन तो उसने दिया था, कितना दिया था 1600, और 320 एक्स्ट्रा भी तो दिए थे, 160 शेयर के एप्लीकेशन टाइम, तो वो यहाँ पे प्लस होंगे लेकिन अलॉटमेंट टाइम माइनस होंगे। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट टाइम वो नहीं दिया लेकिन उसने एप्लीकेशन पूरा दिया था, तो एक्सेस एप्लीकेशन एप्लीकेशन टाइम प्लस होते हैं और अलॉटमेंट टाइम माइनस होते हैं। अभी हम फॉरफिट की एंट्री कर रहे हैं, तो उसने जितना पैसा दिया था, तो एक तो उसने 800 इंटू 2 1600 भी दिया था एप्लीकेशन का पैसा, और उसने 160 शेयर्स एक्स्ट्रा भी दिए थे एप्लीकेशन टाइम, इंटू 2 कितना हुआ 320, टोटल कितना हुआ 1600 प्लस 320, टोटल उसने 1920 रुपये दिए, तो टोटल उसने कितना दिया 1920 रुपया उसने दिया। अब अलॉटमेंट टाइम देखो, अलॉटमेंट टाइम वही अलॉटमेंट टाइम, उसने 4000 हमने उससे मांगे थे, उसने कितना दिया, उसने सिर्फ दिया हमको 4000 हमने उससे मांगा, उसने नहीं दिया, उसके जो 320 एक्स्ट्रा थे जो यहाँ हम एप्लीकेशन टाइम प्लस कर दिए, तो अलॉटमेंट टाइम वो माइनस होंगे, तो 4000 में से 320 गया तो कितना बचा यहाँ पे, तो टोटल बचा आपका 3680, ठीक है। और फर्स्ट कॉल जो हमने उससे मांगा वो भी नहीं दिया इसने, 800 इंटू 2 कितना हुआ 1600, और लास्ट कॉल 800 इंटू 3 कितना हुआ 2400। अभी हम बी के शेयर फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट की एंट्री क्या है, अब बी से क्या हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और दिया, यस अलॉटमेंट टाइम हमने उससे मांगा था, अलॉटमेंट टाइम उसने हमको दिया, तो उसकी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, तो एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डायरेक्टली आएगा यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकंड कॉल अकाउंट, कैपिटल में कितना आएगा इंटू 10 रुपीज़ आएगा पूरा, क्यों, क्योंकि हमने सारे शेयर्स मंगा लिए थे। फॉरफिट में कितना आएगा, तो उसने हमको टोटल दिया था 2 रुपया और 5 रुपये, याद रखना फॉरफिट टाइम जो प्रीमियम है वो नहीं गिना जाता, मतलब 2 और 3 गिना जाएगा, प्रीमियम नहीं गिना जाएगा, 2 एंड 3 कितना दिया उसने 5 दिया, मतलब 5 दिया तो हुआ आपका 5000। फर्स्ट कॉल का कितना है, तो
रुपया, फाइनल कॉल का कितना है 3 रुपया, 2,000 ये नहीं दिया और 3,000 ये नहीं दिया। अब लास्ट हम री इशू कर रहे हैं, तो री इशू का एंट्री आपका आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड, 10 का शेयर था ये भी 10 का था, बेचा कितने में, तो हमने री इशू कितने में किया, री इशू किया है 8 में, तो डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और वो कहाँ लेके जाते हैं हम, वो लेके जाते हैं हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में हमको टोटल 1800 शेयर 8 में बेच रहे हैं, और 1800 इंटू 2 का डिस्काउंट है, और 1800 इंटू 10 कैपिटल में पूरा पैसा लेके जाएंगे, तो 1800 इंटू 8 करो तो 14,400 आपका पैसा आएगा, 1800 इंटू 2 करो तो डिस्काउंट आपने दिया था 3600 का, और यहाँ लेके जाओगे 18,000 पूरे। अब 12th एंट्री, लास्ट एंट्री होती है, जो कि हमको जो प्रॉफिट बचता है वो हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं, तो इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व में कैसे लेके जाएंगे हम, उसकी एक लास्ट एंट्री होती है, वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जिसको हम आप डायरेक्टली टू कैपिटल रिजर्व भी कह सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं कह सकते। कैसे निकालना है, सिंपल तरीका है, फॉरफिट जो भी है क्रेडिट साइड के, फॉरफिट जो भी है डेबिट साइड के वो लिख दो। तो क्रेडिट साइड के फॉरफिट कौन से थे, एक था 1920 और दूसरा था 5,000, तो लिख दीजिए पहले 1920 और 5,000, टोटल आपका हुआ 6920। डेबिट कितना हुआ, डेबिट आपका रीइशू टाइम आता है, डेबिट आपने किया था 5600, तो 5600 यहाँ पे लिख दो, ना 5600 नहीं था सॉरी 1600 था आपका, 3600, 3600, ओके। तो 6920 माइनस 3600 करो तो 3320 जो आपका रहेगा वो रहेगा कैपिटल रिजर्व, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट।